अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ फिज़ान अहमद एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 0320-168-1680। आज हम आपके साथ लिबर्टी लैंड्स के करंट रेट्स और मार्केट ट्रेंड के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रेट्स डिस्कस कर लेते हैं। 5 मरला ओल्ड बुकिंग जिसकी टोटल प्राइस 31,95,000 रुपये बनती है, डाउन पेमेंट इसकी 4,75,000 रुपये है। करंट ओन और सेलर बायर की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 3,50,000 रुपये पे सेलर स्टैंड करता है जबकि 3,25 पे बायर स्टैंड करता है। छोटा कमर्शियल 2.66 मरला जिसकी टोटल प्राइस 79,95,000 है, डाउन पेमेंट इसकी 11,95,000 रुपये बनती है। सेलर बायर की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सेलर 4 लाख जबकि बायर 3.5 लाख रुपये पे स्टैंड करता है। बड़ा कमर्शियल 5.33 मरला जिसकी टोटल प्राइस अराउंड 1.5 करोड़ रुपया है, डाउन पेमेंट इसकी 22,75,000 रुपये बनती है। सेलर बायर की और करंट ओन की अगर हम बात करें तो सेलर 17 लाख जबकि बायर 16 लाख पे स्टैंड करता है। 5 मरला न्यू बुकिंग जिसकी टोटल प्राइस 37,75,000 रुपया है, डाउन पेमेंट इसकी 6,95,000 रुपया बनती है और करंट ओन की अगर हम इसकी बात करें तो -40,000 में आज की डेट में फाइल की अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब हम मार्केट ट्रेंड के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रॉम द लास्ट 10 डेज हमें प्राइसेस में काफ़ी एप्रिसिएशन देखने को मिली है। उसकी मेन रीज़न यही थी कि 15 जुलाई को कंपनी जो है ऑन साइट डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न्स डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हो सका। और जो सिचुएशन हम पहले भी फेस कर चुके हैं जब एडवर्टीज़मेंट जो है कंपनी की तरफ से डिले थी, तो बेसिकली सेलर ने तब भी जो है पैनिक होकर मार्केट में सेलर की रेशियो जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिली थी, जिसकी वजह से प्राइसेस इवेंचुअली ड्रॉप हो गई थी। तो अभी भी मेन रीज़न प्राइसेस की अगर हम फ्रॉम 15 जुलाई ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो प्राइसेस में हमें जो है थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला है। मार्केट क्रैश बिल्कुल नहीं हुई बट प्राइसेस थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर आई हैं। उसकी मेन रीज़न यही है कि मार्केट में सेलर की रेशियो कंपैरेटिवली बायर से ज़्यादा है। बायर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आप सबको आइडिया होगा कि सेलर बायर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। मार्केट में अगर सेलर की रेशियो ज़्यादा हो तो प्राइसेस इवेंचुअली नीचे आ जाती हैं, और अगर मार्केट में बायर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो प्राइसेस में अप्रिसिएशन देखने को मिलती है हमें। अभी ड्यू टू सम रीज़न डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सके वो, जिसकी एक मेन रीज़न आप जो हमारा लाहौर का वेदर है वो भी था अभी, क्योंकि करंटली मानसून चल रहा है जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करने के बावजूद भी अगर वो सेरेमनी कर भी देते तो वो जिस फास्ट ट्रैक पे वो उसको लेकर चलना चाह रहे थे वो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने प्लान यही किया है कि इसको थोड़ा सा डिले किया जाए, बट इसी माह के एंड तक आपको जो है डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड होती नज़र आएगी। 14 अगस्त को इसका बैलेट भी करने जा रहे हैं, आप सबको आइडिया होगा। ट्रांसफर फाइल्स, ओपन फाइल्स, सारी फाइल्स इसमें इंक्लूड की जाएंगी, जस्ट आपकी फ़ाइल अप टू डेट होनी चाहिए। और लाहौर रियल एस्टेट आपको हाईली रिकमेंड करेगा कि आप इस बैलेट में शामिल हों, और जो फाइल्स होल्ड करते हैं उनको भी हम यही स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करेंगे कि अपनी फ़ाइल्स को मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए होल्ड करें, पैनिक मत हो। मार्केट में पैनिक सिचुएशन की वजह से ही जो है मार्केट में ड्रॉप हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, तो हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करेंगे फाइल होल्डर को कि अपनी फाइल्स को जो है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए होल्ड करें। और जो लोग इसमें परचेजिंग करना चाह रहे हैं उनको हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि ये बेस्ट टाइम है बाइंग का। मिनिमम ओन चल रहा है कमर्शियल का, आप सबको आइडिया है 25-27 लाख से नीचे आया हुआ है। ओल्ड बुकिंग की अगर हम बात करें तो सबको आइडिया है 8-10 लाख से जो है प्राइसेस नीचे आई हुई हैं। तो अभी जैसे ही डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा, बैलेट होगा, ऑन ग्राउंड सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी, तब उस मौके पर जो है प्राइसेस हार नहीं आएंगी। तो अभी इस मौके को कैच करें, प्राइसेस अगर नीचे हैं तो इन प्राइसेस पे बाइंग टाइम है। इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 0320-168-1680। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।